हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज मैं आ रखा हूँ अपने दोस्त निखिल की कॉलोनी में, और मैं आ रखा हूँ एक हॉन्टेड हाउस पे। ये वाला हॉन्टेड हाउस मेरे दोस्त निखिल की कॉलोनी में मतलब बहुत टाइम से है। तो भाई बताओ क्या है इस वाले हॉन्टेड हाउस की कहानी, और हम लोग क्यों आ रखे, तुमने क्यों बुलाया मेरे को इधर? सबसे पहले हाय एवरीवन, बात यह है कि पिछले 10 साल से इस कॉलोनी में हमें तो इस कॉलोनी में मतलब कि ये घर पिछले 10 साल से बंद है। बोला जाता है यहाँ कि 10 साल पहले कोई आदमी सुसाइड करके मर गया हुआ था। अच्छा। तब से बंद है। अब बचपन में भी हम जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो इस मतलब कि दिन में ठीक है, रात में जब गुजरोगे ना तो इस कॉलोनी एकदम सुन, कोई इवन कोई आदमी तक नहीं जाता है। अच्छा, इस घर के आसपास? इस घर के आसपास कोई आदमी नहीं जाता। अच्छा अच्छा। रात में इस घर में मतलब कि कभी कभी आवाजें भी आती है, ऐसे कुछ गिरने का या कुछ भी आवाजें भी आती है। तो इस घर के आगे से कोई गुजरता नहीं है, रात में जो भी गुजरता है उनको कई बार ऐसे इस वाले घर की तरफ से आवाजें आती है। और मैं अभी आ रखा हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ, मैं अभी आपको उन लोगों से मिलवाता हूँ, फिर हम सीधा घर के अंदर चलते हैं। तो चलो ढूंढते हैं भूतों को, एंड लेट्स गो इनसाइड द हॉन्टेड हाउस। So guys, तो यही वो घर है भाई, ये देख सकते हो आप, ये देखने से हॉन्टेड सा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो भाई, पूरा बंद है और 10 सालों से वाला घर बंद पड़ा हुआ है। मैं आपको इसके अंदर थोड़ा दिखाता हूँ, ये देख लो भाई, पता नहीं क्या जाल वाल लगी हुई है इधर, मकड़ी की जाल वाल है इधर। All right, so guys, तो ये मेरा दोस्त है आकाश, और ये रहा अंकित, और ये रहा कुणाल। यहाँ से तो भाई ताला लगा हुआ है इधर, तो जाना किधर से है? कोई और रास्ता है निखिल? चलो भाई, बहुत बहुत ज़्यादा सुपर चीज़ कर देगा जिसके ऊपर चल रहे हैं। कुणाल चल चुका है, मेरे को भी चलना है। करंट तो नहीं होगा उसमें, बार बार नहीं होगा। तो पहले हम चल जाते हैं। हाँ जरूर, कैमरा दो, फ्लैश भी दे देना। तुम लोग चलो अब भाई, वो आराम से भाई। भाई तार वार है, आराम से करंट वेंट ना लग जाए किसी को। तार खराब हो गया आकाश। चलो चलो भाई, हाय। ऑलरेडी सो गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई, पूरा जंगली जंगल है इस घर के ऊपर यार। तो अब चलते हैं अंदर, यहाँ से एक एंट्रेंस दिख रही है भाई। अंदर आवाज भी आ रहा है भाई साहब, भाई साहब ये क्या जगह लग रही है भाई, चप्पलें उपले पड़ी हुई हैं। ये बहुत टाइम से घर लग रहा है जैसे बंद पड़ा हुआ है। अगर आप देख सकते हो, पता नहीं कपड़े उपड़े फेंके हुए हैं। अभी चलते हैं देखते हैं ऊपर। तो भाई छत पे तो पूरा पेड़ वेड़ ही उग गया था। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जाल वाल लगी हुई है, ये घर बहुत ज्यादा दिनों से ही बंद पड़ा हुआ है। जाल वाल पता नहीं क्या क्या, इतने टाइम से भाई ये वाला घर बंद है, पूरा ही अजीब सा लग रहा है भाई। और यहाँ पे वाइब्स भी हम लोगों को अच्छी नहीं आ रही बहुत ज्यादा। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, आ जाओ भाई अंदर। ये देख लो वाइब्स, पता नहीं भाई क्या ये पहला रूम है इस वाले हॉन्टेड हाउस का। भाई साहब क्या लग रहा है भाई, ये भाई क्या क्या फेंका हुआ यार, क्या है भाई? कुछ जानवर कुछ था, जानवर सा था कोई, उनको लगा कुछ गया सामने से। क्या क्या पता कुछ था, पता नहीं। अभी भाई निखिल को दिखा कि कुछ उसके पैर के सामने से गुजरा है, हो सकता है कोई जानवर वानवर भी हो। ये वाला घर जैसे कि निखिल बोल रहा था, उसको लगता है कि 10-15 साल से अगर बंद पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कोई जानवर यहाँ पर रह रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी और आगे जाके एक्सप्लोर करते देखते हैं जगह को। आ जाओ निखिल, अब अंदर चलते हैं भाई। ये देखो भाई, ये वॉशरूम है इनका, और यहाँ से शायद से एक रास्ता गया हुआ है इस वॉशरूम से। चलना है क्या सारी गली में भाई? चलो भाई आ जाओ, कुणाल तुम वे लीड करो गली का। भाई बस यहाँ पे मेन मेरे को लग रहा है भाई चोरू चक्के का डर लग रहा है, चोरू चक्के ना हो बस इधर भाई। इधर अजीब सा है कुछ, गली है। हाँ तो वो इधर चले क्या, देखते हैं भाई। चलो ये तो घर के अंदर ही रहते हैं, तो गली है गाइस। दिखाना कैमरा एक बार, क्या कह रहे कुणाल?
फेर वेर आ रखा है कुछ दीवार से। फेर वेर भाई इधर पता नहीं कैसी गली है। हैंडपम्प देखो गाइस कितना पुराना लग रहा है देखने से ही, पूरा रस वस लग रखा है इसके ऊपर। चलो भाई घर के अंदर चलते हैं। आ दो भाई उनका दोस्त दरवाजे को, किचन विचन में देख लेते हैं एक बार। भाई तुमको कुछ ऐसा हॉन्टेड सा फील हुआ है क्या कुणाल? अभी तक तो भाई कुछ ऐसा नहीं हुआ है भाई। निखिल कहाँ? निखिल कहाँ है भाई? इधर वॉशरूम तरफ तो नहीं है, एक बार देखना। निखिल, निखिल, निखिल भाई कुछ आवाज गूंज सा रहा है इधर। हाँ आवाज तो गूंज रही है यार। निखिल किधर हो? इधर से आवाज आई शायद तुमको भाई। अभी इस तरफ से आवाज आई भाई, इस तरफ से आवाज आई। किधर हो भाई? इधर भाई। किधर? इधर भाई। इधर ये कौन सा भाई? बता नहीं भाई। भाई भाई इधर देख। अबे उधर क्या कर रहे हो भाई? भाई तुम लोग को फोन रखते हैं, बस फोन में था, फोन में रखा हुआ था। लोग इधर से कोई ऐसा करो भाई ऐसे। हाँ भाई सब एक साथ लो भाई। भाई हमको इधर से लाया कुछ आवाज। नहीं उधर चलो भाई, पागल हो क्या? इधर आवाज आवाज आई तुम कहीं भी आवाज आएगी चले जाओगे। अकेले मत जाना कहीं भी भाई, अकेले कोई भी नहीं जाना भाई इधर। पहले डिसाइड कर लो सब, आ जाओ अभी चलते हैं गाइस। पहले घर को एक्सप्लोर करते हैं। कितनी शांत जगह लग रही कुणाल यार ये। भाई कुछ आवाज आया ना? हाँ भाई छोड़ो, घर के अंदर रहो भाई, बाहर मत जाना भाई। किसी का आवाज आ रही है दरवाजा पर पीट रहा उसका, वैसा टाइप का आवाज आया था भाई। यहाँ पर रस्सी फेंकी हुई है, ये दिखाना भाई। यहाँ पर रस्सी वस्सी फेंकी भाई, किसी चीज को टच वच मत किया जाए, छोड़ो। पता नहीं यार यहाँ पर हो सकता है भाई लोग भी आते हो, मतलब क्योंकि घर ऊपर से हम लोग आए हैं, ऊपर से तो हम लोग को रास्ता मिल गया आने का। नहीं भाई लेकिन इतना दिन से तो हम, तुमने कभी किसी को आते हुए देखा नहीं था? आते हुए तो नहीं देखा। अबे क्या पता भाई चोरों चक्के इधर आते हो भाई रात को, उन लोगों को ऐसी जगह चाहिए होती खाली खाली। चलो आ जाओ। मैंने वो कुछ दिखा है इधर चलते हुए भाई, सीरियसली। अबे इधर देखो कैमरा, देखो कैमरा, देखो। अबे वोरी 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 वहां पे बिल्ली है भाई, अटैक भी ना कर दे भाई ये बिल्ली। सब साथ में ये देख सकते हो गाइस, उन झाड़ियों के पीछे ना एक बिल्ली है, वो डर रही है बेचारी, वो देख सकते हो आप जैसे उधर। शायद हमने इसी बिल्ली को देखा होगा तब, है ना, भागते हुए। ये रही भाई, ये रही बिल्ली एक, बेचारी को डर लग रहा है शायद। छोड़ो इसको, इधर चुप के एक्सप्लोर करते थोड़ा और। इसी वाले रूम में रहते हैं भाई, है ना, इस पर को देखते हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं अगर कोई स्पिरिट हो तो। तुम्हारे पास कैंडल तुम्हारे पास है ना भाई? हाँ भाई। चलो भाई सही है, सही है, सही है, रखे रहो भी करते हैं तो। Let's do it. मेरे साथ बचपन में ये सब चीजें हो चुकी हैं इसलिए मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। पहले तो माता की चीजें भूतों हो रखी है। तुम तो करोगे भाई निकल, तुम भी करोगे ना? हाँ भाई कर लेंगे। तुम्हारा क्या सीन है? मैं नहीं करूँगा, मुझे बहुत डर। तुम भी नहीं कर रहे? तुम कैमरा पकड़ लो ठीक है, हम तीनों पकड़ लेते हैं, बीच में कैमरा चला लेते हैं। ठीक है देखते हैं भाई। अभी देखो तो हमें गाइस ऐसा कोई स्पिरिट की प्रेजेंस दिखी नहीं है, अभी हम कैंडल तीन जलाएंगे यहाँ पर रखेंगे और फिर देखेंगे कोई स्पिरिट आती है कि नहीं आती है भाई। मैं भी कैंडल को नीचे प्लेस करता हूँ जमीन पे, करना भाई तुम लोग भी एक एक कैंडल सब अपना अपना पकड़ लो ठीक है। ये तीनों कैंडल जो तो ये तीन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी और ये हम तीनों अपने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं। अगर हमारे आसपास अभी कोई भी स्पिरिट है तो हमें अपनी प्रेजेंस दिखाओ। हमें जानना है कि यहां पर कोई भी आत्मा रह रही है तो यहां पर भटक रही है अभी तक, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। हमें प्लीज अपना एक साइन दिखाओ, कुछ करो, हमें अपनी प्रेजेंस दिखाओ, हमें दिखाओ कि आप यहां पर हो और हमें बताओ कि आप यहां पर क्यों हो। किसी को कुछ दिख रहा है? मतलब किसी को कुछ लगा भाई तुम लोगों से? कुछ थोड़ा सा तो आवाज आया है भाई। किस चीज का? किसी के चल लेगा भाई। तुमको आई है? किधर से? तो फिर चलने वाले की आवाज़ है भाई, बिल्कुल पीछे से ना, पीछे से।
अभी तो आज शायद एक्सपेरिमेंट ना हो, आगे के लिए और ट्राई करता हूँ। तो अगर अभी आपने आवाज निकाली है अभी, तो हमें एक और साइन दो जिससे हमें पता चले कि वो आप ही थे जिसने अभी आवाज निकाली चलने की। अगर आप यहाँ पे सही में हो तो मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ, बताओ कि आप यहाँ पर हो। दोबारा आपने साइन दो एक, अगर आपने भी वो चलने की आवाज निकाली थी जो कुणाल ने सुनी। किसी को कुछ फ्रेंड्स फील भी नहीं? तो अभी तो कुछ मुझे अभी कोई प्रेजेंस नहीं दिख रही है, तो मैं घर को और एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और अगर आप हमारे आसपास हो तो आप हमें अपनी प्रेजेंस कभी भी दिखा सकते हो। सब अपने अपने कैंडल बुझाओ जो मैं जलाई थी। मैं तो ग्रीन वाली जलाई थी भाई। चल के भाई को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर बिल्ली है भाई, उस समय हमने बिल्ली को बोला यार, एक रात तभी बिल्ली यहाँ पे आ गया। हाँ भाई, हाँ उधर अजीब चीज़ है भाई, बिल्ली थी भाई उधर साइड। पता नहीं क्यों होगा भाई, मजाक मत कर। अरे भाई इधर से भी बंदे हैं। अरे भाई सीरियसली भाई, पता है भाई ऊपर तो लगाने वाला भी नहीं है, दिखा दे एक बार यार। देखो कुछ हैवी नहीं इधर लगा भाई, तो लगाने वाला भी नहीं है भाई, क्या मतलब है ना, हम तो पांच ही थे, पांचों तो यहीं पे हैं, कोई बंद कैसे होगा? बंद कैसे खुल नहीं रहा भाई, कौन है भाई? अंदर से कुछ आवाज आया भाई, जैसे उस तरफ से ना। हाँ भाई कोई है उधर, सर कोई है भाई, ब्लॉग बंद करो जो चलते हैं, देखते कुछ दरवाजा तोड़ना होगा भाई। फिर निकलेंगे किधर से, इधर तो बंद है दोनों गेट भाई, दरवाजा तोड़ना ही होगा। हम बोले तो नहीं, फिर बंद है बहुत साल से, फिर ट्राई कर। क्या हो गया भाई? भाई बट खुल नहीं रही है भाई, पूरा गेट भी लॉक, बट खुल भी नहीं रहा भाई। क्या कह रहे हो? गेट आवाज तो सी आवाज नहीं है अबे, खुल गया, खुल रहा है। बंद कैसे था भाई? ये तो कोई है नहीं भाई, खिड़की भी खुली हुई है भाई, वही खिड़कियां भी खुली हुई है भाई, तो ये दोनों गेट भी खुला हुआ है इधर का। लेकिन भाई बंद कैसे हुआ भाई? फिर इधर सब गेट खुला हुआ है, इधर जरूर कोई है भाई। भाई इधर या तो कोई है या तो कुछ गलत हुआ है भाई। हां दिखाना लाइट, दिखाना ये भी गेट खुला हुआ है, और हमारे से उस रूम का गेट बंद हो गया था भाई। चलो भाई अब यहाँ से भाई निकल जाओ, निकलने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना? चलता निकल भाई, बहुत हो गया भाई, यहाँ पे ही रहना भाई, अब आराम से करना। चलो भाई चलो निकलते हैं, आ जाओ भाई। चलो ऑल राइट, सो गाइस तो अभी हम जा रहे हैं भाई अंदर। बहुत ज़्यादा भाई क्रीपी था, मतलब हमें लिटरली लगा कि मतलब पता नहीं गेट कैसे बंद हो गया था, फिर एकदम से गेट खुल गया था। और गाइस अगर आपको उसका सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वाली वीडियो पे अभी जाके 40,000 लाइक्स कर दो। अगर इस वाली वीडियो पे 40,000 लाइक्स आते हैं तो मैं इस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट लाऊंगा, जहां पे मैं किसी और हॉन्टेड जगह पे जाऊंगा, किसी और हॉन्टेड जगह को ढूंढूंगा। तो सीधा घर चलते हैं भाई। चलो भाई बहुत हो गया, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अंकुर भाई अब जा रहे हैं, पीस आउट, बाय।